नमस्कार दोस्तों, कैसे करें डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप ऑनलाइन पैसे जो है वो सीधा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने खाते में या फिर किसी और के खाते में, वो भी ऑनलाइन सर्विसेज का यूज़ करके। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं, कौन से ट्रस्टेड ऐप एंड सर्विसेज जो है वो आप प्रयोग कर सकते हैं, उनके भी नाम जो है वो आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप ऐसे ही जानकारी जानना चाहते हैं, और इसी तरह की खास जानकारियाँ जानते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा करके घंटी के आइकन को जरूर दबा लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो अभी जो वो हम लोग जान लेते हैं कि कैसे जो वो हम ऑनलाइन पैसे जो वो ट्रांसफर कर सकते हैं। आप सभी परिचित हैं मोबाइल ऐप से, जैसे कि पेटीएम हो गया या फिर हो गया मोबिक्विक, लेकिन वो जो है उनसे हम खाते में पैसा तो भेज सकते हैं, लेकिन हमें जो वो कुछ सर्विस चार्ज देना होता है जिससे जो वो हमारे पैसे का लॉस भी जो वो होता है, और उससे जो वो हम एक बड़ी मात्रा में पैसा जो वो ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। तो अभी जो हम लोग आपको बताने वाले हैं कि कैसे जो आप पैसा ट्रांसफ़र करें कि आपका कोई चार्ज भी ना लगे और पैसे जो आसानी से ट्रांसफ़र हो। तो इसके अंदर पहली सीरीज़ में पहले नंबर पर सबसे बड़ा आता है वो है मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जो वो पुराने समय से प्रचलित है, लेकिन ये जो वो धीरे धीरे अब जो वो सिमटता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मोबाइल ऐप्स आ गए हैं। तो यहाँ पर मोबाइल ऐप पहले नंबर पे जो आता है, जहाँ तक मैं मानता हूँ उसकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग, वो है फ़ोन पे ऐप। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन पे ऐप जो है वो एक बैंक द्वारा चर्चित है, किसी बैंक ने जो वो इसको बनाया है। मैं जो वो उसकी आपको हल्की सी जानकारी जो वो आपको दे देता हूँ। तो ये बैंक द्वारा चर्चित है और यहाँ पर जो वो ये किसी बैंक ने जो वो इसको लॉन्च किया है, तो आप जो वो इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि जहाँ पर जो वो भीम ऐप, यहाँ पर जो इन दोनों का कोई भी आपको खर्च नहीं लगेगा, आप सीधा पैसा भेजेंगे तो किसी के अकाउंट नंबर में भी भेज सकते हैं और यूपीआई का यूज़ करके भी जो भेज सकते हैं। इन दोनों ऐप्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप बैंक में पैसा भेजना चाहें तो उनके पास भीम ऐप या फिर फ़ोनपे ऐप का अकाउंट होना भी जरूरी नहीं है। अब जो है वो एक और जो है वो प्रचलित हुई है चीजें कुछ पिछले समय में, जो कि है डिजिटल बैंक। जी हाँ दोस्तों, आपके मोबाइल में ही आपका बैंक होगा, सिर्फ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का यूज करके आप अपना खाता जो है वो बना सकेंगे और उससे जो है वो आप पेमेंट्स को ट्रांसफर कर सकेंगे, उसके अंदर पैसा जो है वो डाल सकेंगे अपने एटीएम कार्ड आदि के जरिए, या फिर जो है वो आप कैश में भी काफी सारी आपको आउटलेट्स मिल जाएंगे जहां से जो वो पैसा डलवा सकते हैं। वो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सचिन तेंदुलकर ने जिसकी एडवर्टीजमेंट की थी, वो है डिजी बैंक बाय DBS के द्वारा। तो यहाँ पर जो डिजी बैंक भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आपको जो वो प्रतिशत देता है, इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर जो वो आप जो आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त ऐप है ये। अकाउंट आप घर बैठे सिर्फ 1-2 मिनट में जो वो बना सकते हैं। यहाँ पर जो वो अगला ऑप्शन आता है कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा लॉन्च किया गया 811 ऐप। जी हाँ दोस्तों, 811 भी जो है वो एक ऐसा अकाउंट है जो कि आप घर बैठे अकाउंट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया कि अकाउंट ओपनिंग में 5 मिनट लगती है। वर्चुअल डेबिट कार्ड, जी हाँ दोस्तों, इन दोनों का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं अपने एटीएम कार्ड को, तो आप इन बैंक के एटीएम कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। इसका फ्रॉड का चांसेस जो वो कम हो जाएगा, जिससे कि जो वो कोई भी आपके एटीएम से पैसा जो वो निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपनी डिटेल जो वो सभी जगह आसानी से शेयर नहीं करेंगे। इन बैंक्स की डिटेल शेयर करेंगे तो यहाँ पर आप इतना ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इतना ही पैसा डालेंगे जितना आपको ऑनलाइन यूज़ करना है। आप ज़्यादा पैसा जो है इनके अंदर नहीं ऐड करेंगे, या फिर ज़्यादा यूज़ करना चाहें तो जो वो यूज़ भी कर सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा सेफ माने गए हैं ये। यहाँ पर जो आपको डिजिटल एटीएम कार्ड्स मिलते हैं, यानी आपको आपका वर्चुअल एटीएम कार्ड्स का मतलब है कि आपको एटीएम कार्ड मिलता है जिसके अंदर जो आपको नंबर मिलेगा, सीवीवी नंबर मिलेगा, एक्सपायरी डेट मिलेगा, सब कुछ जो वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप ऑप्शंस के बारे में जान चुके होंगे, सबसे ट्रस्टेड जो वो ऑप्शन कौन से हैं जिनके जरिए जो आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को जानकारी अच्छी लगी। अगर आप इनमें से किसी ऐप के बारे में फुली इन्फॉर्मेशन जानना रहना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में डालिए आप किस ऐप को यूज़ करते हैं और किस पे जो आप ट्रस्ट करते हैं। तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो ऑनलाइन पेमेंट्स का यूज जो वो करते रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए कैसे करें।